आउच, इतनी जोर से गिर गई मैं। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुचिता आप लोगों के लिए लेकर आ गई एक अनादार व्लॉग। तो आज है 2 जनवरी और आज हम जाने वाले हैं कहीं पर घूमने। घूमने मतलब हम जाने वाले हैं पूजा करने, एक्चुअली बाबा भोले के द्वार। तो हम जा रहे हैं आकाशी गंगा, हमारे यहाँ के सबसे नज़दीक का मंदिर है और वहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। तो बहुत मज़े करने वाले हैं, पूजा भी करने वाले हैं और वहाँ पर क्या क्या करेंगे सब कुछ आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सो व्यूअर्स, हम लोग अभी जा रहे हैं आकाशी गंगा और ये जो आप लोग जगह देख रहे हो ये हमारे हौड़ाघाट का एक जगह है और वो देखो ट्रेंड्स। चलो शॉपिंग करने जाते हैं और इधर तो गाइस पता है आप लोगों को मैं ना ऐसे कार पर ट्रैवल नहीं कर सकती और मुझे ना कुछ कुछ लग भी रहा है। और आपको पता है, एक सीक्रेट बता दूँ, अगर पूजा सुनेगी ना तो मुझे खा जाएगी। मतलब सच्ची बात है, ये शर्माने वाली बात नहीं है। मतलब कार में मुझे थोड़ा थोड़ा वॉमिटिंग फील हो रहा था लेकिन मैं ज़ोर ज़बरदस्ती खुद को सोए हुए रखी थी और वीडियो भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी और पूजा को ना थोड़ा वॉमिटिंग भी हो गया था। और ये देखो भगवान, देखो देखो मैं कैसे सो रही हूँ, पूजा के बच्चे को गोद में लेकर उसके बच्चे की तरह ही सो रही हूँ मैं, देखो। हाय भगवान। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं आकाशी गंगा बहुत टाइम के बाद और अच्छा भी लग रहा है। चलो दिखाते हैं, बहुत लोग हैं, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी पूजा के सामान वाली दुकानें हैं, आप लोगों को जो भी चाहिए यहाँ से आप खरीद सकते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ थाली हाथ में लेकर भोले बाबा की पूजा करने के लिए। तो और आप लोगों को एक सीक्रेट पता है, ये जो घंटी है ना ये बजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता इसे घंटी बोलते हैं या घंटा बोलते हैं। ये मंदिर का सेकंड गेट है, मैं पहला वाला गेट दिखाना भूल गई थी। और यहाँ पर ही बहुत सारी भगवान की मूर्ति शुरू हो जाती है, बहुत सारी है यहाँ पर। तो चलो अंदर अंदर दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के बाद ना, बहुत शांति मिलता है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को मैं अंदर का नज़ारा भी दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगता है मन को एकदम शांति। तो फाइनली वो समय आ गया है, अभी भोले बाबा की पूजा करने का समय है। तो हम लोग पानी डाल रहे हैं और आप लोगों को पता है ये जो समय है ना, बहुत शांति मिलता है पूजा करके, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। सभी लोग देखो साथ में पूजा कर रही है मेरे साथ में जो है। और ये जो चुनरिया आप लोग देख रहे हो ना, सब लोग विश कर करके भोले बाबा से कुछ मांग के ये चुनरिया सब लोग बांधते हैं। हालांकि मैंने चुनरी नहीं बांधी लेकिन सब लोग बांध के गए हैं ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जो विश करते हो ना, अगर विश करके बांधो तो वो सफल हो जाती है। यहाँ पर है भोले बाबा का एक बड़ा सा मूर्ति, आप लोगों को पता है ये मूर्ति आप लोग वीडियो में जितना अच्छा लग रहा है ना, सामने से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बड़ा है। मतलब दिल खुश हो जाता है भोले बाबा की ये मूर्ति देखकर। अगर आप लोग आकाशी गंगा जाए ना तो ये मूर्ति ज़रूर देखना। और अभी हम लोग नंदी जी को हम लोग कुछ बोलेंगे, सब मानते हैं कि नंदी जी को हम जो बोलते हैं वो डायरेक्टली भोले बाबा के दिल तक पहुँचता है। तो अभी मैं नंदी जी से कुछ मांग रही हूँ जो भोले बाबा मुझे देने वाले हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नीचे की तरफ, वहाँ पर वाटरफॉल का पानी गिरता है ना, पानी बहुत ठंडा होता है। चलो जाकर देखते हैं कैसा लगता है। ओके अभी ना गाइस यहाँ पर एक बहुत बुरी चीज़ होने वाली है मेरे साथ, सच में मैं इतनी ज़ोर से गिर गई, देखो देखो। और पूजा ना इतनी ज़ोर से हंस रही थी मेरी मुझे गिरते हुए देखकर, और मेरा चश्मा वश्मा भी गिर गया, लोग हंस रहे थे मुझ पे। जो भी हो, आपको पता है मैं ना बोल रही थी कि ये वीडियो क्लिप मैं ब्लॉग पे नहीं डालने वाली हूँ, तो पूजा बोल रही थी नहीं डाल दे सब लोग देखकर हंसेंगे, थोड़ा फनी क्लिप होगा, इतनी हरामी है ना। तो उन लोगों की बातों पर मैंने ये क्लिप डाल दी और देखो गिर के भी मुझे मुझ में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, मैं खेल रही थी कुछ कुछ कर रही थी देखो।
और वो देखो वाटरफॉल, बहुत ठंडा पानी है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है देखकर। और अभी मेरी बच्चों की तरह खेलने की बारी, देखो क्या कर रही थी मैं। मुझे ना पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है और जितना ठंडा पानी तो बहुत मज़ा आया। गाइस हम लोगों ने पूजा भी कर लिया और यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग शायद चले जाएंगे। तो कैसा लगा? रील्स बनाना नहीं हुआ। हाँ हम लोगों ने हम लोगों को रील्स बनाने के लिए समय नहीं मिला। हम लोगों को बुला रहा है, मतलब हमें जाना पड़ेगा। इधर देखो कैसा लगा आ जाकर, बोलो। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना, चलो। तो देखो ये बंदर किस तरह से ये चिप्स खा रहा है। मुझे ना दूर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन पास जाने में बहुत डर लग रहा था। मतलब मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ खिलाऊं लेकिन सामने जाने में मुझे बहुत डर लगता है और दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखो ये बंदर, यहाँ पर ना बहुत सारे बंदरे हैं, मैं दिखाना भूल गई थी। एकदम इस लोग प्रसाद भी लेकर आते हैं ना, सारा प्रसाद भी ले जाता है बंदर, एकदम प्रसाद की टोकरी। तो बहुत सारे बंदर हैं। अभी हम चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा किया, पूजा भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। तो अभी हम चलो जाते हैं घर। तो ना ये है पानी पूरी, किसको किसको खाना है देखो। और यहाँ पर थोड़ा कुछ शॉप वगैरह है, इतना सुंदर सुंदर टेडी है देखो, क्यूट क्यूट सा। तो अभी मैं केप के शॉप पर जाकर जो कर रही थी ना, अच्छा हुआ दुकानदार वाले भैया जी नहीं थे, नहीं तो वो मुझे डांट लगाते। मतलब देखो ना, हम दोनों ही सारा कैप वेप निकाल कर पहन कर हम लोग वीडियो कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। अच्छा ही हुआ वो भैया जी सामने नहीं थे। और देखो एक से मन नहीं भरा तो मैं ब्लैक वाली ले ली अब वीडियो करने के लिए। और यहाँ पर बस बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार सोच रही थी कि कुछ कुछ ले लूँ लेकिन सच में गाइस घर पर रखने के लिए जगह ही नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं ली, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था सब फ्लावर्स। और गाइस हम लोग ये दुकान पर जाना कैसे भूल सकते हैं। लड़कियाँ कहीं पर जाएंगे तो कॉस्मेटिक्स के शॉप पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ये वाला चाहिए था लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी ये लेने के लिए। बहुत क्यूट है ये, मुझे ये चाहिए। तो इस क्यूटी को घर नहीं ले जा सकती तो क्या हुआ, फोटो तो खींच सकती हो ना। ओ भाई साहब इन छोटी छोटी मूर्तियों को तो देखो, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, इतना अच्छा लगा। मतलब ढेर सारी मूर्तियाँ देखो ना गाइस, बहुत अच्छी लग रही है ना। तो क्योंकि हम सब लोगों का पेट पूरा भरा हुआ था इसलिए हम लोगों ने हल्का फुल्का खाने के लिए कुछ चटपटा खाने का डिसाइड किया। तो ये देखो इतना अच्छा मिक्सचर था, बहुत अच्छा लगा खाकर। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है चटपटा पूरा। और अभी हम खाने वाले हैं लेस और मजा। और अभी हम जा रहे हैं घर जिसका मैंने वीडियो नहीं किया। सो गाइस हालत बहुत ही ख़राब है। एक्चुअली मैं ना कार में ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो भी हो घर आ चुकी हूँ और देख ही रहे होंगे आप लोग मेरा हालत एकदम ख़राब है। तो चलो बाद में फिर दिखाती हूँ। सो गाइस वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, इसके बाद थोड़ा सा खाना वाना खाकर मैं सो गई थी और बहुत देर तक सोई। फिर मेरा ट्यूशन स्टूडेंट आया, उन लोगों को पढ़ाया, फिर से मैं सो गई। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी मैं उठी हूँ और अभी डिनर भी करना है, मतलब खाना खाना भी है। तो सोच रही थी कि वीडियो तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, बीच में तो मैं सो ही गई थी, तो वीडियो का एंड करने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक चीज़। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा छोटा मोटा बहुत सारी दुकानें थी ना, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन इतना ज़्यादा खास कुछ भी नहीं लगा। लेकिन फिर भी उनमें से मुझे एक बहुत क्यूट सा चीज़ मिला जो मैं माँ के लिए लाई, तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो दिखाते हैं मैं माँ के लिए क्या लाई हूँ। गाइस ये आप देख रहे हो ना, बहुत क्यूट है ये। मुझे मैंने जब भी देखा ना इसे तो मतलब मुझे लगा कि नहीं ये माँ को बहुत पसंद आएगा। एक छोटा सा हैंडबैग है, इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, बहुत ही क्यूट सा एक हैंडबैग है। और इसमें ये देखो ये साड़ी भी है, बहुत क्यूट है। और इसका जो ये हैंडल है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड लग रहा है मुझे। इसे ऐसे भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो ये भी है,
ठीक है ना, तो ऐसे भी हम ले सकते हैं। ये बहुत लंबा है, मम्मी ने शायद चेन, रुको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये बहुत ही लंबा है। और पता है इसका प्राइस आप लोगों को? आप लोग यकीन नहीं मानोगे इसका प्राइस, मतलब क्या ही बताओ। ये कितना सुंदर है देखो, दोनों तरफ यहाँ पर भी एक चेन है और यहाँ पर भी एक चेन है, और इतना सुंदर है ये ना। लेकिन इसका प्राइस सुनकर आप लोग मतलब शॉक रह जाओगे, दंग रह जाओगे। तो इसका प्राइस है सिर्फ 100 रुपीज़। अच्छा लगा ना सुनकर, ये बहुत ही कम प्राइस में मिला मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो जब मैं माँ के लिए लाई तो माँ बोली कि उनको भी बहुत अच्छा लगा ये। तो आज वहाँ से और कुछ नहीं ख़रीदा, सिर्फ यही एक माँ के लिए ख़रीदा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा कमेंट में। गाइस यही के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और अभी खाना खाना है, सोना है, ये सब आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ। तो जो भी हो, आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब मतलब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो। और जो लोग बहुत पहले से ही देखते हैं, आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो बिल्कुल ही कीजिएगा। और टाटा।